सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों कौशिक यूट्यूब चैनल को और इस बेल घंटी को दबाए सबसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में जियो मोबाइल के रिचार्ज के बारे में बात करूँगा। दोस्तों अगर आप जियो मोबाइल है तो आप रिचार्ज कर सकते हो, पेटीएम से तो आपको कैशबैक मिलेगा 50 रुपीज़ से रहेगा 150 रुपीज़ तक। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं कैसे मिलेगा, कैसे प्रोमो कोड ऐड करना होगा, चलिए मैं इस वीडियो में बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप रिचार्ज ऑप्शन में क्लिक कीजिए। रिचार्ज ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप मोबाइल नंबर दीजिए, जो भी मोबाइल नंबर आप जियो रिचार्ज करना चाहते हो। तो चलिए मैं मोबाइल नंबर दे देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पर चेंज ऑपरेटर चेंज कर दीजिए। यहाँ पर जियो सिम है मेरा, जियो सिम में सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अगर जितना भी रिचार्ज करना होगा मैक्सिमम 149 का ऊपर रिचार्ज करना होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मैं 555 का रिचार्ज करूँगा। दोस्तों 555 का रिचार्ज में क्या क्या आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 3 महीने के लिए है, 1.5 GB पर डे। ठीक है, तो सबसे पहले इस रिचार्ज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो फास्ट फॉरवर्ड है, जो अनटिक करा है तो अनटिक ही करना दे उसको। ठीक है, इसका पर प्रोसेस टू रिचार्ज में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको प्रोमो कोड ऐड करना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रोमो कोड यहाँ पर आ गया है। तो प्रोमो कोड अप्लाई करने से पहले आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर प्रोमो कोड अप्लाई करना होगा आपको दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे जो अप्लाई प्रोमो कोड का जो ऑप्शन है वहाँ पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको शो नहीं करेगा जियो का 50 का बाद 150। तो सबसे पहले आपको इंटर प्रोमो कोड का वहाँ पर आप कैपिटल में जियो लिखिए। जियो लिखने के बाद वहाँ पर कोई स्पेस नहीं देना, 50 लिख दिए। ठीक है, अगर नया यूजर है ठीक है, जियो का सिम नया है, पहली बार रिचार्ज हो रहा है दोस्तों, तो जियो 50 लिखिए। अगर आप ओल्ड यूजर है, ठीक है, ऑलरेडी यूज कर सकते हो इसका, तो आप जियो 150 लिख सकते हो। ठीक है, जियो 150 लिख सकते हो। यहाँ पे 3 वाउचर मिलेगा 50% का। अपन नेक्स्ट जब आप रिचार्ज करोगे ना तो यहाँ पे 50-50 का वाउचर आपका डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, और नया यूजर है तो आप दोस्तों 50 लिखिए, ये 50 रुपीज़ आपका कैशबैक मिल जाएगा, आपको वॉलेट में या बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। ठीक है, तो जियो 50 लिखने के बाद अप्लाई ऑफर में क्लिक कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों प्रोमो कोड इज नॉट अप्लाई ऑन योर अकाउंट। ठीक है, मतलब हमारा जो जियो का नंबर दिया दोस्तों वो अभी, तो आप देख सकते हैं दोस्तों प्रोमो कोड यहाँ पर अप्लाई नहीं कर रहा है मेरा, क्योंकि ये मेरा नया नंबर नहीं है जियो का, ऑलरेडी मैं इसका आगे रिचार्ज कर लिया हूँ। तो चलिए मैं 150 दे देता हूँ। ठीक है, 150 देने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 150 आ गया, हमें अप्लाई ऑफर में क्लिक कीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर जियो 150 अप्लाई हो गया है हमारा। ठीक है, क्या क्या मिलेगा, क्या क्या डिटेल्स है, ऑफर डिटेल्स सब हम देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो ये देखने के बाद दोस्तों यहाँ पर प्रोसीड टू पे का ऑप्शन जो है ना, तो आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद चलिए पेमेंट कर देता हूँ। देख लीजिए यहाँ पर ये मेरा पेटीएम वॉलेट से इतना कटेगा और बैंक अकाउंट से 530 रुपये कटेगा। चलिए पेमेंट कर देता हूँ मैं। देखिए दोस्तों मैंने पेमेंट कर देता हूँ, अभी तुरंत ही हो जाएगा। अब देख सकते हो दोस्तों यहाँ मेरा पेमेंट मेरा सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, यहाँ पे एक स्क्रैच कार्ड मिला है, चलिए देख लेते हैं मैं स्क्रैच कार्ड का क्या क्या है। ठीक है, अब देख सकते हो ये जियो वाउचर मिला है, 200 रुपये का एक वाउचर मिला है दोस्तों। ठीक है, जियो का, तो और देख लेते हैं क्या क्या मिला है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर अभी मेरा 3 कैशबैक मिला गया SMS का माध्यम आ गया हमारा। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, चलिए ये मेरा रिचार्ज सक्सेसफुल हो गया है दोस्तों। ठीक है, तो SMS आ गया है कैशबैक, तो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। SMS में मेरा रिचार्ज का जो प्रोमो कोड आया है 3-3 आ गया है। आप देख सकते हो दोस्तों, यू हैव रिसीव ए न्यू प्रोमो कोड विथ 50 एप्लीकेबल इलेक्ट्रिक यूज कोड इतना पेटीएम पर बेनिफिट। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीपेड रिचार्ज का भी है, 3 कोड आया है हमारा पास। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे DT रिचार्ज का है एक, और एक प्रीपेड रिचार्ज का है।
और एक है इलेक्ट्रिसिटी बिल का है। तीन प्लस प्लस का प्रोमो कोड आ गया है। इसका वैलिडिटी आप देख सकते हो कितने दिन तक है, ठीक है। तो ये तीन का ₹50 का कूपन मिल गया है आपको। तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं तो आप इस वाला कोड को डालना, ये आपका ₹50 माइनस हो जाएगा। अगर मोबाइल रिचार्ज करते हो तो आप इस कोड को डालना। अब दोस्तों अगर आप DTS रिचार्ज करते हो तो इस कोड को डालना, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब मोर अपडेट।